सबसे पहले हम दो मीडियम साइज़ के शिमला मिर्च लेते हैं, जिन्हें हम कुछ इस तरह से काट लेते हैं छोटे छोटे पीसों में। फिर हम चार मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे, इन्हें भी हम कुछ इस तरह से काट लेंगे छोटे छोटे पीसों में, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद हमें एक मिक्सी जार में कुछ लहसुन की कलियां, चार से पांच हरे मिर्च, अदरक का टुकड़ा और एक टमाटर काट लेंगे। ये सब डालने के बाद इसे मिक्सी जार में पीस लेंगे और कुछ इस तरह का पेस्ट तैयार कर लेंगे। फिर इसे हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। बोल में ट्रांसफर करने के बाद इसमें हम हल्दी, एक चम्मच मिर्च, एक चम्मच धनिया, नमक स्वाद अनुसार, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और गरम मसाला ऐड करेंगे। ये सब ऐड करने के बाद इसे हम मिक्स कर देंगे। फिर एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल गरम होने के बाद इसमें हम अपनी शिमला मिर्च को फ्राई कर लेंगे। इसे 2 से 3 मिनट भूनने के बाद ऐसे चलाते रहें और इसे भूनने के बाद हमें एक बोल में निकाल लेंगे। इसे निकालने के बाद हमने जो प्याज काटी थी उसे भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे और इसे चलाते जाएंगे और इसका कलर बदलने तक इसे हम भूनेंगे। जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक इसे भूनते रहें और जब इसका कलर चेंज हो जाए तो इसे भी हम निकाल लेंगे। सारी प्याज को हमने कढ़ाई से निकाल दी है। इसके बाद जो हमने मसाला पीसा हुआ था इसे हम तेल में फ्राई करेंगे। अच्छे से चलाते जाएं ताकि मसाला कढ़ाई में ना लगे और इसे भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसे भूनने के बाद जब मसाला हमारा पक जाए तो इसमें हम 2 चम्मच दही ऐड करेंगे। दही डालने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। इसे हम चलाते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसमें हम अपनी प्याज और शिमला मिर्च ऐड करेंगे और फिर इसे चलाते जाएं ताकि कढ़ाई के नीचे ना लगे। और फिर इसे चलाने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। लगभग 2 कप पानी डाला है मैंने और फिर आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, आपको गाढ़ा पतला कितना चाहिए। फिर इसे चलाते जाएं और फिर इसे पकने दें। 3 से 4 मिनट इसे पकने दें और जब ये सब्ज़ी थोड़ी गाढ़ी हो जाए तब इसे एक बोल में निकाल लेंगे। इसमें मैं धनिया भी डाली है गार्निशिंग के लिए। अब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए हमारी टेस्टी शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनकर तैयार है। लग रही है ना बिल्कुल टेस्टी। ऐसी रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब